तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरी इस क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, जो कि विस्टास का लास्ट चैप्टर है। उसका जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट है, आज हम वो करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश टर्म 2 के लिए। बता दूं मैं आप लोगों को कि ये सीरीज मेरी बच्चों काफी टाइम से चल रही है, जो कि प्रीमियर क्लासेस की एक सीरीज थी। और इसमें मेरी कोशिश ये थी कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो सभी के सभी जो हैं वो एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट, जो हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। तो मैंने एडवांस ट्राइज ऑन लेवल का आज कराना है, और इससे पहले मैं ऑन द फेस ऑफ इट का, शुड विजिट मम्मी का, इसके अलावा फ्लैमिंगो के जो दो चैप्टर्स हैं, दो पोम्स हैं, सॉरी पोम्स नहीं, दो चैप्टर्स हैं, उनका करा चुका हूँ ऑलरेडी एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला। अगर आप चाहो तो देख सकते हो मेरी जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो टर्म 2 का कंप्लीट कर रखा है। दूसरी चीज बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। अगर किसी ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप लोगों को क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये बच्चों मेरा इस मंथ का टाइमिंग स्केड्यूल था, लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को जो नया टाइमिंग स्केड्यूल है वो अपनी फर्स्ट फैब वाली क्लास के अंदर ऑलरेडी दे दूंगा, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है उसको लेके, ठीक है। अगली चीज है बच्चों, अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बच्चों आप ले सकते हो। अगर आप अभी अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को 20% ऑफ मिलेगा अन अकेडमी की तरफ से। 30 और 31 को 20% ऑफ था, तो आज 31 है, तो आप लोगों को 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लर्निंग लाइफ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, मेंटोरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, मतलब वो सारी चीजें जो आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होंगी वो सब आपको मिल जाएंगी। और बच्चों वैसे तो ये सब्सक्रिप्शन 3 मंथ्स का 7500 का है, बट अगर आप 6 मंथ्स का लेते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। 7500 पे बच्चों आपको 10% ऑफ ही मिलेगा, जो कि 750 का होगा। अगर आप चाहो तो जेई नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना वाले हो तो आप उसका भी ले सकते हो, उसमें भी आपको 20% ऑफ ही मिलेगा। तो बच्चों इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि सुपर डुपर फैंटास्टिक फैंटाबुलस कोड है, जो कि है SUTH10। अपनी पेमेंट करने से पहले इस कोड को लगाएंगे और जादू से आपके पैसे जो है आपको कम पे करने पड़ेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को क्या मिलता है? आप लोगों को मिलती है पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना, स्टडी प्लानर और भी बहुत सारी दूसरी चीजें। तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं। आइकॉनिक में बच्चों 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 12,000 का है, टर्म 2 के हिसाब से 1200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा का लेंगे तो आप लोगों को 20% ऑफ मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन जरूर लेंगे और इस कोड को जरूर लगाएंगे, जो कि है SUTH10, ठीक है। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट की, जो कि इस चैप्टर के लिए। अच्छा, 20% ऑफ का मैंने आपको बता दिया, 30-31 का था, तो आज 31 है, तो आप जरूर ले लें और इस कोड को जरूर लगाएं, SUTH10, एक साथ ही लिखना है पूरा का पूरा। तो बच्चों एडवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल जो चैप्टर है, इसके एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट की हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को बताएं कि जो इवांस है उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था जेम्स रॉड्रिक इवांस। जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो कि एक चोर होता है और वो ऑलरेडी 3 बार जेल से फरार हो चुका है और अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए उसे ऑक्सफोर्ड प्रिजन में रखा गया है कैद करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यही आता है कि इवांस कौन था, हु वॉज इवांस, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जेम्स इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस का पूरा नाम होता है, उसका नाम भी यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो, मार्क कर सकते हो इसको अपने बुक के अंदर, जो कि एक प्रिजनर है, ठीक है, जिसका ओ लेवल एग्जाम कंडक्ट कराना था। और ओ लेवल एग्जाम अगर किसी को नहीं पता, तो ओ लेवल एग्जाम एक ऑर्डिनरी लेवल एग्जाम होता है, बेसिक लेवल एग्जाम होता है, ये जर्मन लैंग्वेज में एक एग्जाम है जिसके बारे में हमारे को यहाँ बताया गया है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इवांस के बारे में जब जेल के गवर्नर ने इससे बात करी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन से बात करी है, उसके सेक्रेटरी से बात करी है, तो वो बताता है उन्हें कि हमारे यहाँ एक प्रिजनर को एग्जाम देना है, दैट इज एन ओ लेवल एग्जाम, तो आप क्या उसे कंडक्ट करवा सकते हो प्रिजन के अंदर। तो उस टाइम पे गवर्नर जो है वो सेक्रेटरी को इवांस के बारे में कुछ भी बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे पता है कि इवांस जो है वो क्या चीज है, ठीक है। लिखा भी है, देखो ये रहा, Evans the break, the prison officers called him, as the prison officers called him. Thrice he had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest, ये सब तो आगे की बात है बच्चों, ठीक है। ऑक्सफोर्ड प्रिजन से वो भागेगा नहीं, ऐसा किया जाने वाला है,
अरेंजमेंट, ठीक है। और ऐसा भी किसी को नहीं पता कि इवान जो है वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है एग्जाम के अंदर या नहीं है। मेन जब आप इस आंसर को लिखोगे ना, तो आपको एक तो ये बताना है कि उसका पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, जेम्स रॉड्रिक इवांस है, ठीक है, जो कि एक थीफ है जिसने 3 बार जेल से जो फरार हो चुका है, और उसका जो क्वालिटी है या उसकी जो खूबी है, स्पेशलिटी है, वो है इम्पर्सनलेट करना। इम्पर्सनलेट का मतलब क्या होता है, किसी का भी भेस बनाना। वो इम्पर्सनलेट बहुत अच्छे तरीके से करता है लोगों को, और वो एक क्लैप्टोमैनियाक भी है, इस पॉइंट को भी लिख लेना, वो एक क्लैप्टोमैनियाक भी है। और क्लैप्टोमैनियाक किसे कहा जाता है, जिसे चोरी करने की आदत होती है, जो अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं सकता, उसको क्लैप्टोमैनियाक कहते हैं। तो यहाँ पे वो एक क्लैप्टोमैनियाक भी है। तो उसके एग्जाम के लिए बच्चों पुख्ता अरेंजमेंट किए गए हैं, और पूरी पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी चांस ना मिले उसको कि वो वहां से भाग जाए, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है कि जो गवर्नर होता है जेल का, वो इसकी जिम्मेदारी एक ऑफिसर को देता है प्रिजन के, जिसका नाम है ऑफिसर जैक्सन, जो कि सीनियर ऑफिसर है, कि भाई कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इवांस एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना क्रिएट करे, इसके लिए प्रिकॉशंस भी ले लिए जाते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन बाय, पहला मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो आप, व्हाट वर द प्रिकॉशंस taken by the prison authorities for smooth conduction of exam, मतलब कि जो एग्जाम है उसका स्मूथ कंडक्शन हो, इसके लिए जो प्रिजन अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या प्लानिंग करी थी। तो जैक्सन ने क्या करा था, उससे वो सारा का सारा सामान ले लिया था, ठीक है, जो भी वो यू नो इन्विजिलेटर को हार्म करने के लिए यूज कर सकता है। इन्विजिलेटर मतलब जो उसका एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आने वाला था, और उस बंदे का नाम क्या था, स्टुअर्ट मैक्लेरी था, है ना। देखो लिखा भी है, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही हैज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज फेस, को बोला उसने अगली मग, क्लियर, ठीक है। One of us these days he will do us all favor. ये बहुत गुस्से में बोल रहा है जैक्सन इवांस को कि क्या पता एक दिन ये हमारे को फेवर कर दे अपना गंदा सा गला जो है वो काट के। तो इस तरीके से बात कर रहा है वो प्रिजनर से, बेसिकली इवांस से, ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ ये देखो, Who took my nail scissors away? तो नेल सीजर भी ले ली गई थी उसकी इवन, ठीक है। ये जैक्सन से पूछता है इवान की, मेरा नेल सीजर किसने ले लिया है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारे को यही दिखाती हैं कि उनमें से कोई भी बंदा जो है वो इवान के साथ 1% भी चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि उन सब लोगों को पता है कि इवान किस तरीके का बंदा है, ठीक है। अब बच्चों बात करूं अगर मैं पूरे पूरे कंटेंट की, तो ऑब्वियसली बच्चों इसके अंदर हम जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और हम अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन करते हैं चीजों को लेकर, तो जाके हमें समझ में आता है कि यार इसका आंसर ऐसे लिखना है, इसका आंसर ऐसे लिखना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है, और बाकी आप इसको थोरली रीड करोगे तो आपको भी कई सारे आंसर्स जो हैं वो मिलेंगे, और इसके अलावा मैं भी जहां तक हो पाएगा आपको मार्क करा देता हूं। तो प्रिकॉशंस वाला मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड इवांस मैनेज टू एस्केप द प्रिजन, कि जो इवांस है वो प्रिजन से भागा कैसे। तो आई होप बच्चों जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वो कैसे भागा है। अगर किसी को नहीं पता, मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है, आप एक बार इसकी वीडियो जरूर देख लो बच्चों। इसकी वीडियो जो है वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी टर्म 2 के, ठीक है, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पे समझा रखा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, ये शुरुआत से लेके एंड तक कभी भी रिवील नहीं किया जाता, ठीक है, और ये बात हमें पता चलती है बाद में, ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमें बाद में पता चलती हैं, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा चीजों के बारे में, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। जस्ट मैं एक बार उस कंटेंट पे लेके आ जाऊं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बार सारी की सारी बातें बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब इवांस वो एग्जाम देता है तो उस टाइम पे एक पर्सन उसका एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आता है और उस पर्सन का नाम था स्टुअर्ट मैक्लेरी। लेकिन हमें बाद में ये बात पता चलती है कि इवान का एग्जाम जो बंदा कंडक्ट करने के लिए आने वाला था उसको एक ब्रॉड स्ट्रीट में, ब्रॉड स्ट्रीट स्ट्रीट का नेम है, वहां पे उसके घर में बंदी बना के इवांस के फ्रेंड्स ने डाल दिया था। और उसके बाद इवांस का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोई इवान का फ्रेंड ही आता है जो मैक्लेरी का बेस बना के आता है और वो अपने साथ डबल क्लोथिंग लेके आता है। और एट द एंड जब इवांस का एग्जाम खत्म होने वाला था तो उन लोगों ने ऑब्वियसली एक ब्लैंकेट के जरिए अपने कपड़े एक्सचेंज करे हैं लास्ट के 5 मिनट के अंदर। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब स्टीफन्स को गवर्नर का कॉल आया और स्टीफन मैक्लेरी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टीफन ये नोटिस करता है कि जिस मैक्लेरी को वो छोड़ने जा रहा है उसका जो बोलने का एक्सेंट है वो थोड़ा और ब्रॉड हो गया है और वो थोड़ा सा पतला लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। और बाद में जब वो इवान के सेल में आया था तो उसने मैक्लेरी को ही देखा जेल में एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन के अंदर और उसके सर से खून निकल रहा था। तो अब स्टीफन्स को ये लगता है कि जिस बंदे को वो बाहर छोड़ के आया है वो इवान्स था जो मैक्लेरी का भेस बना के वहां से भाग गया। लेकिन बच्चों रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि इवांस ने मैक्लेरी का बेस बनाया तो था, ध्यान से सुनना, इवांस ने मैक्लेरी का बेस बनाया तो था लेकिन इवांस बाहर नहीं जाता है बल्कि वो मैक्लेरी का बेस बना के अंदर ही रुक जाता है और अपने ऊपर वो खून डाल लेता है जिससे वो अपने आप को मैक्लेरी बताता है। और लोगों को, जो भी प्रिजन के ऑफिशियल्स थे, उन सबको ये शो करने की कोशिश करता है कि जो बंदा भाग गया वो इवांस था और मैं मैक्लेरी हूँ। हालांकि रियलिटी में तो हमको पता है कि वो दोनों ही मैक्लेरी नहीं है, मैक्लेरी तो अपने घर पे बंदा हुआ है, जो बंदा आया था वो इवांस का फ्रेंड था। लेकिन अभी जो बंदा मैक्लेरी होने का एक्ट कर रहा है अंदर और घायल सिचुएशन में अपने आप को दिखा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, इवांस है। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट। ही हैड बीन देयर, ही सेड, सिंस 8:15 AM व्हेन टू मैन हैड कॉल्ड हिम। अब ये सारी की सारी चीजें हो गई। It had not been Evans impersonating McCleary who had walked out. It had been Evans impersonating McCleary who had stayed in. तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चों, जल्दी से बता दो। वेरी गुड। अब इसके अलावा बच्चों कुछ और पॉइंट्स थे जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट हैं और पता होने चाहिए, जिनमें से एक पॉइंट ये है कि जो इवांस था जब वो सारे के सारे प्लान को अंजाम देता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी होता है जब एक कॉल आता है मजिस्ट्रेट के ऑफिस से गवर्नर को और एक प्रिजन वैन को बुलाया गया था, मंगाया गया था। अब वो प्रिजन वैन जो थी वो क्यों मंगाई गई थी उसका जो पॉइंट आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई लेट मी चेक दैट पर्टिकुलर पॉइंट। काफी बड़ा चैप्टर है ये बच्चों। अच्छा, अगर आप में से किसी को ये पता है, अगर आप में से किसी को ये पता है कि जो जूनियर ऑफिसर था, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो एक बार आप मुझे बताइए जल्दी से, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बच्चों। अच्छा ये वाला पॉइंट भी देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट भी देखो, ये पॉइंट आ गया तो ये भी मैं आपको मार्क करा देता हूं। देखो देयर वाज, मैनेज टू कंसील, कहां गया भाई,
हाँ ये रहा। इवांस हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफर्नालिया। पैराफर्नालिया मतलब छोटी मोटी चीजें, बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विद विच ही हैड गिवन मैक्लेरी सच अ टेरिबल ब्लो। ये पहले वो सोच रहे हैं, ये किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सोच रहे हैं, जब उन्हें लगता है कि इवांस भाग गया मैक्लेरी का बेस बना के, लेकिन रियालिटी क्या थी ये आप लोगों को पता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वो वाला पॉइंट कहाँ है? यहीं कहीं होना चाहिए बच्चों, वो पॉइंट मुझे अभी मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो वेदर ये कहाँ चिप गया है। ये रहा बच्चों, देखो द फोन रैंग अगेन, द मजिस्ट्रेट कोर्ट, दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स। रिमांड केस था और विद इन टू मिनट जो गवर्नर है वो वंडर कर रहा था कि कहीं ये बात कोई नकली बात तो नहीं है, और उसको समझ नहीं आता। ठीक है, अब बेसिकली ये प्रिजन वैन वाला पॉइंट क्या था बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जब इवांस वहां से भाग गया और भागने के बाद वो एक होटल में गया जिस होटल का नाम था क्या, गोल्डन लाइन होटल। होटल का नाम क्या था? गोल्डन लाइन होटल। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नर जो है वो फोटो स्टेट कॉपीड शीट जो थी, जो उसके क्वेश्चन पेपर के साथ लगी हुई थी, उसमें चीजों को यू नो डीकोड करके वो समझ जाता है कि इवान कहाँ पे होगा, गोल्डन लाइन होटल में होगा, किसी रूम के अंदर। तो जब गवर्नर जो है वो उस प्लेस पे पहुंचता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इवान को रिकैप्चर कर लेता है, वो फिर से इवान्स को पकड़ लेता है। लेकिन इवान्स को पकड़ने के बाद जब वो नीचे जा रहे थे और इवान्स से उसने पूछा कि तुम ब्लड कहाँ से लाए, और इवान्स ने बताया कि वो उस रबर ट्यूब में था जो मैक्लेरी अपने साथ लेके आया था, जो कि एग्जैक्टली उसका फ्रेंड था, है ना। तो वहां पे जो लास्ट है, जब इवान को पकड़ के हैंडकफ लगा के प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा था, तो इवान्स लास्ट टाइम स्माइल करता है गवर्नर को देख के, और गवर्नर को ये समझ नहीं आता कि उसने स्माइल क्यों किया जबकि वो तो पकड़ा गया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो प्रिजन वैन जो थी उसको प्रिजन ऑफिसर्स नहीं चला रहे थे, बल्कि इवांस के कोई दोस्त थे जो प्रिजन ऑफिशियल की तरह इंपर्सनलेट कर रहे थे। तो वो वैन इवान के दोस्तों के पास आई कहां से? वो वैन बच्चों आती है यहां से। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है ये सही तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन कोई दुविधा कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है ना वो कुछ इस तरीके का चैप्टर है, जब आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे ना लाइन बाय लाइन तो आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जब सारे के सारे पत्ते जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा ये चैप्टर करना चाहता है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पूरे के पूरे चैप्टर को कराने वाला हूँ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में अपनी प्लस क्लास के अंदर विस्टार्स का। ठीक है, इवन शुड विजिट मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट, सारे चैप्टर होंगे। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है जिसको लगता है कि यार मुझे पूरा चैप्टर, क्योंकि आपको पता है कितना बड़ा चैप्टर है, इसमें कितने सारे पेजेस है, इसमें टाइम भी लगेगा, चाहते हो कि आपका ये हो जाए, तो आप जरूर जो बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके लिए एनरोल करें। और मैंने अभी जो मार्क कराया है ना वो इसलिए मार्क करा दिया क्योंकि ये मेन पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस अराइज होंगे, मैंने खाली उसी को मार्क कराया है। ठीक है, आप सोचोगे इतना सब कुछ है लेकिन मैंने इतना ही मार्क कराया, क्योंकि मैंने सिर्फ वो मार्क कराया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे। लेकिन अगेन अगर मैं बात करूँ पूरी एक्सप्लेनेशन की तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अभी यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन कर ले, सिर्फ जो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा है मैंने उन्हीं को मार्क कराया है। आई होप बच्चों आपको उतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी को चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार मेरी जो वीडियो है इवांस ट्राइज़ोन लेवल की उसको जरूर देख लेना। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों अगर किसी बच्चे ने अनअकैडमी प्रोडजी में अपने आप को अभी तक एनरोल नहीं करा है तो एक बार कर लो। टेस्ट नंबर 3 बच्चों होने वाला है फरवरी 6 को जो कि संडे है, तो एक बार अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है एनरोल कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और इसके बाद बच्चों दूसरी चीज आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। रैंक 1 को मैकबुक एयर मिल रहा है, रैंक 2-3 को एप्पल आईफोन, 4-5 को एप्पल आईपैड, अमेजोन एको डॉट, 6-40 इतने सारे रैंक होल्डर्स को, 41-100 को अमेजन वाउचर्स, और भी बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं स्कॉलरशिप के अंदर। तो मेक श्योर आप अपने आप को एनरोल जरूर कर लें, जितनी जल्दी हो सकता है बच्चों उतनी जल्दी एनरोल कर लें।
और अगर किसी बच्चे को हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए बच्चों, तो ध्यान रखो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल सकता है अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में अपने आप को एनरोल करते हो 11th 12th के लिए। प्री रजिस्ट्रेशन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है टेस्ट। 30 क्वेश्चन 60 मिनट में आंसर करने होंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिलेगा। रैंक 1 से 3 वालों को 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 4 से 10 वालों को 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 वालों को 50% स्कॉलरशिप और 51 से 150 वालों को 25% स्कॉलरशिप बच्चों मिलेगी। और आपको कोड यूज करना है, दैट इज SUTH10। इस कोड का बच्चों आप लोगों को इस्तेमाल करना है, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और रैंक होल्डर्स को बच्चों मेडल्स भी मिलेंगे, टॉप 25 रैंकर्स को सर्टिफिकेट मिलेंगे। हर एक संडे को ये टेस्ट होता है, तो मेक श्योर आप अपने आप को एनरोल जरूर कर लें। और मेरा जो बच्चों शाइन बैच चल रहा है उसके लिए अपने आप को एनरोल कर लो, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जहां हर्षप्रीत कौर मैम है, राहुल द्विवेदी सर है, तमसा त्यागी मैम है, विशाल महाजन सर है। अगर मोनिका मेदी मैम के केमिस्ट्री बैच के लिए एनरोल करना है तो भाई आप स्पार्क बैच ले सकते हैं, जहां एस मनी सर भी पढ़ा रहे हैं। देन वी हैव अशोक मीना सर, कीर्ति शर्मा मैम, राहुल मवानी सर, तो आप अमेजिंग बैचेस में बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कोड यूज करना है, दैट इज SUTH10 फॉर दैट ऑफ, है ना। और ये वीडियो बच्चों आज देख रहे हो 20% ऑफ है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कर लो। अगर आपका कोई फ्रेंड एनरोल करना चाहता है 11th क्लास का, तो बच्चों 11th के भी बैचेस चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, वी हैव अमेजिंग एजुकेटर्स फॉर 11th टू, तो आप सजेस्ट कर सकते हो अपने भाई बहनों को, फ्रेंड्स को, और सेम कोड आपको बताना है बच्चों को। और बच्चों मैं जो अपनी क्लास 1 फरवरी को लेने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या नाम है मेरा टाइम टेबल फरवरी के लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। तो बच्चों लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होंगे, क्वेश्चन टैब पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव फॉल ऑप्शंस के, ये सारी की सारी चीजें होंगी। अगर आप स्पेशल क्लास में एनरोल करते हैं तो SUTH10 ये कोड है, इसको यूज जरूर करें। आज रात को 10 बजे बच्चों हमारी एक स्पेशल क्लास भी है, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नोट्स डाउनलोड करने हैं लेटेस्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।